हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना। चलिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिवाली विश की। सेम टू यू यार, सेम टू यू। बहुत लोग हैं, दीपा है, राजेश है, राजेश और जिनेश हैं, बहुत लोग हैं जिन्हें मैं विश करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं नाम लेने लगूँगा तो बहुत लोग के नाम लेने पड़ेंगे मुझे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग मी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू यू टू। चलिए काम पे आ जाते हैं और करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे। करंट अफेयर नहीं है, जीके है, करंट अफेयर है, जो कहना चाहे कह ले। देखिए होता है क्या है ना, क्योंकि अमूमन लोग पूछते हैं कितना पढ़ा जाए, करंट अफेयर कितना पढ़ा जाए। ठीक है, 3 महीने की पढ़ लूँ, 4 महीने की पढ़ लूँ, 6 महीने की पढ़ लूँ? नहीं भाई, आपको 6 महीने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 महीने की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी कैसे होता है? स्मार्ट स्टडी वो होता है कि आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि कॉम्पिटिटर, जब कॉम्पिटिशन में आप बैठते हो तो जो एग्ज़ामिनर है वो कहाँ से पूछने वाला है या कहाँ से पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ चार दिख रहे हैं, ग्रैंड स्लैम दिख रहा है, सबमिट्स दिख रही है, नोबेल प्राइजेस दिख रहे हैं, करंट अफेयर का एक चार्ट दिख रहा है। तो देखिए पूछता कहाँ से, करेंसी से आता है, कैपिटल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बैंक की बात करें, नोबेल प्राइज से बात करें अगर हम एसएससी की बात करें, ग्रैंड स्लैम की बात करें अगर हम बैंक की बात करें, और सबमिट्स की बात करें एसएससी या बैंक किसी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस करंट अफेयर से उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। आप इतना कुछ पढ़ते हो, आता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं पढ़ते हो जो पूछे जाने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक की अगर हम बात करें, जैसे अभी आने वाले कई बैंक एग्ज़ाम हैं, मेंस में, जनरल अवेयरनेस में आएगा, तो वहाँ से स्टैटिक्स से अगर जीके उठाते हैं तो वो नोबेल प्राइजेज उठाएंगे, समिट्स उठाएंगे, ग्रैंड स्लैम्स उठाते हैं, कैपिटल से उठाते हैं, करेंसी से उठाते हैं, और बैंक से पूछते हैं। बैंक से क्या पूछते हैं? बैंक का टैगलाइन क्या है, ठीक है, बैंक हेडक्वार्टर कब है, कहाँ पे है, बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पिछले 1 साल भर करंट अफेयर रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, आप लेंदी स्टडी आपको करने की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट स्टडी करिए। देखिए सबमिट से क्वेश्चन तो आएगा आएगा, मैं श्योर शॉर्ट हूँ सबमिट से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि कुछ सबमिट्स इस बार इंडिया में हुई हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन से लेकर US ओपन तक सारे चार पाँच ग्रैंड स्लैम हैं, इनके मीन्स क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नोबेल प्राइजेस अभी भी जस्ट अनाउंस हुए हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बैंक से बता चुका हूँ, बैंक से हेडक्वार्टर से उनके पूछ लिए जाते हैं, या टैगलाइन पूछ ली जाती है, या कभी CEO बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन करेंसी और कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए मेन मेन जो मैं बताऊँगा, श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम डिलीवर क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, श्योर शॉर्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। चलिए ग्रैंड स्लैम में पहले शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो जनवरी में खेला जाता है। तो ये है पहला, अगर कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है तो पहले सबसे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विमिल्डन होता है, फिर US ओपन होता है। US ओपन सबसे लास्ट में होता है, ये चार मेन ग्रैंड स्लैम है और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर चलिए नीचे शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर 2015 की हम बात करें, 2015 में किसने जीता था, तो सेम है, नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। पिछली बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन बात करें तो 2015 का भी नोवाक जोकोविच ने जीता था, 16 में भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। फ्रेंच ओपन की बात कर लें तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। अच्छा, ये है कहाँ के, कभी कोई ये पूछ लेता है, ये है साइबिया के, ठीक है, बेलग्रेड साइबिया के हैं खिलाड़ी, ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली नहीं बात नहीं है, लेकिन फ्रेंच ओपन 2016 का या ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने हराया किसको, एंडी मेरे को। एंडी मेरे कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इंग्लैंड से, एंडी मेरे को इन्होंने हरा के, मतलब कभी कभी देखो क्वेश्चन आता है रनर अप कौन था, अगर रनर अप पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन का रनर अप कौन था, तो आंसर होगा एंडी मेरे। फ्रेंच ओपन का रनर अप कौन था, तो होगा एंडी मेरे। जीता किसने, नोवाक जोकोविच। देखिए ये याद करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर हम ये 2015 की बात कर लें फ्रेंच ओपन, तो ये जीतने वाले थे स्टेन, ये जो यहाँ दिख रहे हैं ना स्टेन वावरिंका,
ये स्टेन वावरिंका कहाँ के हैं, ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है, ये स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो चलिए आप 15 में कंफ्यूज मत होइए, 16 ही हम देख लेते हैं, 15 में बाद में देख लेंगे। विमिल्टन की बात करें तो एंडी मेरे ने जीता था, हराया था मिलोस को। ठीक है, अगर यूएस ओपन की बात करें तो जीता था स्टेन वावरिंका ने, ये हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, एंडी मेरे बता चुका हूँ इंग्लैंड के हैं, यूके अमूमन यूके कहा जाता है, इंग्लैंड कह लीजिए, नोको नोवाक जोकोविच साइबेरिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये है 2016 के मेंस मेंस के ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, मैन के ग्रैंड स्लैम है ये। ठीक है, मैन के ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ये अगर पूछा जाए तो 2016 का याद करने वाला कैसे है, यूएस ओपन वेवरिंका ने जीता है, विमिल्डन एंडी मरे ने जीता है, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन। देखिए, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन का अगर याद रखें तो किसने जीता है, नोवाक ने। ठीक है, ये इजी है, और हराया किसको है ये भी बहुत इजी है, एंडी मरे को हराया है। ठीक है, ये भी याद करना आसान है, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक ने और हराया है एंडी मरे को। ठीक है, ये याद करना थोड़ा सा आसान है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप आराम से याद कर सकते हो। अगर यहीं पे 15 का पूछ लिया जाता, ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए 15 का होता, तो अगर यूएस ओपन की बात कर लें तो जीता था नोवाक ने। ठीक है, 2015 की अगर बात करें, 2015 की हम बात कर लें, अगर विमिल्टन की बात कर लें तो विमिल्टन भी नोवाक ने जीता था। ठीक है, देखिए चार्ट मैं बहुत सिंपल बना रहा हूँ और चार्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये जीता था स्टैन वावरिंका ने, ये जो है यहाँ थोड़ा लिखना, वावरिंका। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो नोवाक। तो एक चीज़ आपको याद करने वाली, अगर 2015 की बात की जाए, 2015 का ग्रैंड स्लैम बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम की बात करें तो चार में से तीन तो किसने जीते हैं, नोवाक ने जीते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, और एक स्लैम वो हारे हैं, वो है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन वो हारे हैं 2015 में, वो जीता है स्टेन वावरिंका ने। ठीक है, ठीक है, 2015 में सारे ग्रैंड स्लैम, चार में से तीन ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, और एक जीता है स्टेन वावरिंका ने, वो है फ्रेंच ओपन। ठीक है, वो है फ्रेंच ओपन 2016 के, आपको मैं बता चुका हूँ, यूएस ओपन जीता है स्टेन। देखिए, ये दो ही तीन खिलाड़ी हैं, देखिए पिछली बार दौड़ में तो फेडरर थे ही नहीं। ठीक है, फेडरर नहीं थे, और हमारे जो आपके फेवरेट हैं राफेल नडाल भी नहीं थे, मतलब उन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम ना पिछली बार जीता है ना 2016 में जीता है, तो ये नाम हटा दीजिए, घुमा फिरा के पास तीन ही नाम बचते हैं, बचता है नोवाक और एंडी और स्टेन। ठीक है, ये तीन घूम फिर के हैं ऑप्शन में, यही तीन घूम फिर के होंगे। ठीक है, फेडरर का नाम कहीं आया ही नहीं है, ठीक है, किसी ग्रैंड स्लैम में, इसमें चार ग्रैंड स्लैम में तो नहीं आया है, ना इसमें आया है, ना 2015 में आया है। तो याद करने वाली चीज़ है, यूएस ओपन जीता है स्टेन वावरिंका ने, जो है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, विमिल्टन जीता है, एंडी मरे ने हराया है मिलोस को। 2016 में फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार 3-4 सालों से नोवाक ही जीत रहे हैं, ये भी याद रखने वाली है, लगातार 4 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है नोवाक ने ही जीता है, 2013 में, 2014 में, 2015, 2016 में नोवाक जोकोविच ही जीत रहे हैं ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो। फ्रेंच में ये इस पे किताब रहता था राफेल नडाल का, लेकिन पिछले 2 सालों से ये गायब है, पिछली बार इस बार नोवाक जीतने था, पिछली बार स्टेन वावरिंका जीता है। तो ये रहा मेंस का, अब बात कर लेते हैं वुमेंस की। वुमेंस में तो आप सभी जानते हैं सेरेना का हाथ चलता है उसमें, लेकिन पिछले इस साल नहीं चला उनका, इस साल जादू नहीं चला। पिछली बार तो अगर सेरेना की बात करें तो 2015 की बात कर लें ग्रैंड स्लैम की, तो सेरेना ने, मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलियन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जीता, फिर उसके बाद उन्होंने विमिल्टन जीता, विमिल्टन जीता, और आखिरी यूएस ओपन जहाँ की वो रहने वाली, यूएस की, वो हार गई, वो फ्लेविया से। ठीक है, जो है इटली की। ठीक है, देखिए 15 का भी पूरा रिवाइज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां से। 15 का अगर बात करें, जैसे 2015 में कौन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता था, नोवाक जोकोविच, वैसे ही 2015 में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीतने वाली थी, वो थी सेरेना विलियम। ठीक है, सेरेना विलियम्स थी। ठीक है,
उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था, विंबलडन जीता था और यूएस ओपन हार गई थी फ्लेविया से। यूएस ओपन यूएस की ही रहने वाली हैं सेरेना विलियम, और यूएस ओपन ही हार गई थी फ्लेविया से। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर हम वुमेंस की बात, चलिए बात कर लेते हैं 2016 की। तो यूएस ओपन जीता जीता है वो केबर ने जीता है, ठीक है, कॉर्लिना को हराने के बाद, ठीक है। और अच्छा ये कभी भी आ जाता है कि अभी मैंने बता पूछा था सेरेना विलियम्स की बात मैं कर रहा था, विमिल्डन सेरेना विलियम ने जीता है 2016। फ्रेंच ओपन जो जीता है गार्बिना ने जीता है 2016 का। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है वो केबर ने जीता है। तो इस बार केबर का जलवा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें या यूएस ओपन की बात करें तो दो ग्रैंड स्लैम उठा के ले गई हैं केबर, ठीक है। केबर ये क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला था ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है तो इस साल ग्रैंड स्लैम में ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आया है केबर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली कौन सी। देखिए सबसे पहले ये जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये होता है जैन में, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये मार्च अप्रैल में होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस। और विंबलडन जो होता है वो अगस्त अगस्त के आसपास होता है, अगस्त सितंबर में। यूएस होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है इस तरह से क्रम। कभी 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 आता है सीरियल ऑर्डर क्या है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वुमेंस के बाद। वुमेंस को 2015 में सारा सेरेना विलियम जीता था, बस यूएस ओपन जहाँ की वो रहने वाली है यूएस की, वो हार गई थी फ्लेविया से। फ्लेविया ने यूएस ओपन जीता था जो है इटली की, ठीक है। 2016 बता चुका हूँ, 2016 का पहला सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे लास्ट जो यूएस ओपन है वो जीता है केबर ने। और विमिल्डन जीता है जो होता है यूके में, वो सेरेना विलियम जीता है। और फ्रेंच ओपन जीता है गार्बिना ने, ठीक है। और हराने वाली है कार्लिना एंजेलिनो और सेरेना। और सेरेना देखिए आखिरी के दो जो शुरू के दो स्लैम होते हैं ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच, वो हारी हैं सेरेना विलियम। दो स्लैम हारने के बाद तीसरा स्लैम विमिल्डन जो होता है जो अगस्त के आसपास होता है वो सेरेना विलियम जीती थी, ठीक है। इस वीडियो को दो तीन बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं नोबल प्राइजेस पे। जो 2016 के नोबल प्राइजेस भी अनाउंस कर दिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं आने वाले एग्जामों के लिए। देखिए याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कभी भी पूरे नाम पे मत जाइए, कभी भी पूरे नाम पे नहीं जाइए। देखिए फिजिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, फिजिक्स की बात कर ले तो तीन लोगों को मिला है। पहले तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर किसकी बात कर रहे हैं उसमें कितने लोगों को मिला है, तो तीन लोगों को मिला है। नाम है डेविड, देखिए पूरा नाम मैं नहीं बताऊँगा, देखिए याद करने का तरीका डेविड, ठीक है, नाम को जोड़ लीजिए नेविड डनकन, ठीक है, और माइकल, तीनों नाम को जोड़ के एक नाम बना लीजिए, ठीक है, डेविड डनकन माइकल, ठीक है, माइकल डेविड डनकन जो भी बना सके। ये भी नहीं कर सकते हैं तो डीएमडी, ये याद रहेगा, ये तो याद रहेगा डीएमडी। फिजिक्स किसको मिला है डीएमडी, ठीक है, डीएमडी, जहां देखिए सारा खेल होता है किसका, ऑप्शंस का, DMD, आपको DMD बनाना है, ठीक है, आपको DMD चाहिए। फिजिक्स में किसको मिला है DMD को, ये तो याद रहेगा ना, फिजिक्स में किसको मिला है DMD को, ठीक है, डेविड डंकन माइकल, डेविड डंकन माइकल याद कर लीजिए। अगर ये भी याद नहीं होता है तो शॉर्टकट बना लीजिए, फिजिक्स में मिला है DMD को, ठीक है। आगे बढ़े, याद हो गया, चलिए अब केमिस्ट्री की बात कर लें। केमिस्ट्री में भी कितने लोगों को मिला है, तीन लोगों को, ये चीज़ें याद करने वाली है। पूरा नाम नहीं याद करेंगे, जीन पहले हैं, दूसरे फ्रेजर हैं, ठीक है, तीसरे हैं बर्नार्ड, तीन लोग हैं जीन फ्रेजर बर्नार्ड। तो अब इसका क्या करें, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जीन ये है, सर फ्रेजर है और बर्नार्ड है, तो इससे कुछ बना लीजिए, JFB बना लीजिए, JFB याद रहेगा। अगर ये भी नहीं याद रहता है तो सर जे फ्रेजर का JJB ये याद रहेगा, जीन सर जे फ्रेजर बी से बर्नार्ड, इस तरह शॉर्टकट बना लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री में। क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन तो मिलेंगे ना, वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, अगर नाम नहीं याद हो रहे हैं तो आप इस तरह बना लीजिए, JJB बना लीजिए, JFB बना लीजिए, कुछ भी शॉर्टकट बना लीजिए। देखिए नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से जो, तो ये शॉर्टकट आपको वहाँ पे काम आ जाएंगे और आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिख जाएगा। याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप याद ही नहीं करो, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इस तरह का शॉर्टकट बना सकते हैं, JJB को केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम मेडिसिन की बात कर ले तो मिला है योशिनोरी होशुमी में, ठीक है। अब इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नाम तो आपको याद नहीं होगा, ये याद होगा योशिनोरी होशुमी, यो खत्म। मेडिसिन में किसको मिला है, यो को, ठीक है,
ये होता है याद करने का तरीका, शॉर्टकट। ठीक है, अब यशी नोरी होशुमी ये या आपको याद ही नहीं होगा, ठीक है, अब यो याद कर लो। ठीक है, पहले का वाई दूसरे का ओ, यो मेडिसिन में मिला है, यो को याद रहेगा ना। चलिए लिटरेचर लिए तो बहुत सिंपल है, अगर हम लिटरेचर की बात कर लें तो ये तो बहुत सिंपल नाम है, बॉब। लिटरेचर मिला है बॉब डेलन को, बॉब डेलन याद करने की जरूरत नहीं है, आप बॉब याद रखिए, लिटरेचर मिला है बॉब को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नोबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा। नोबल पीस प्राइजेस ठीक मिला है जुआन को। ठीक है, ये बस जुआन याद रखिए, बाकी आगे मैनुअल है, सेंटोस है, ठीक है, ये सब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको पीस प्राइज के जुआन को मिला है क्योंकि आपको क्या क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी हर चीज़ में। उन ऑप्शन पांच ऑप्शन में आपको ऑप्शन डिटेक्ट करना है, उन चार ऑप्शन में आपको ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन डिटेक्ट करना है। नोबल पीस प्राइज किसको मिला है, जुआन मैनुअल सेंटोस को मिला है, लेकिन इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद करिए जुआन, जुआन को मिला है नोबल पीस प्राइजेस। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं आखिरी वाले पे, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में देखिए, पहले तो आपको याद होना चाहिए इकोनॉमिक में है कितने लोग, दो लोग हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीन लोग हैं और इकोनॉमिक में दो लोग हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ओलिवर हर्ट है, ठीक है, और बेनगोट है। ठीक है, तो आप ओलिवर याद कर लीजिए, ठीक है, ओलिवर पहला नाम, दूसरा है बेनगेट, BENGT बेनगेट। ठीक है, ओ बी याद रख सकते हैं, इकोनॉमिक में मिला है ओ बी को, ओलिवर बेनगेट, जहाँ ऑप्शन दिखे टिक करिए, ओ बी आपका है कोड वर्ड, इकोनॉमिक में मिला है ओ बी को, ओ बी कौन है, ओलिवर बेनगेट। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका सही है और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये है नोबल प्राइजेस इस साल के 2016 के। आगे बढ़ेंगे, सबमिट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट सबमिट्स कौन कौन सी रही हैं और कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स, ब्रिक्स अभी भी जल्दी हुई है और हमारे इंडिया में हुई है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पी से ब्राज़ील, देखिए इस कभी कभी ये पूछ लेता है, आर से होता है रशिया, ठीक है, कौन कौन से देश होते हैं, आई से हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, आई से इंडिया हो गया, और सी से हो गया चाइना, ठीक है, एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये पांच देश भाग लेते हैं ब्रिक्स में। अभी भी हुआ है, जस्ट गोवा में अक्टूबर के ही महीने में ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है गोवा में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, कभी पूछ लेते हैं इंडिया में कहाँ हुआ, तो आपको चार स्टेट दे देगा, तो आपको सही, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है अभी भी जस्ट गोवा में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है गोवा में हुआ है। लेकिन सातवां कहाँ था, सातवां रशिया में था, छठा ब्राज़ील में था, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। 2014 में ब्राज़ील में हुआ था, 15 में आपका रशिया में हुआ है, और आठवां जो अभी जस्ट हुआ है गोवा में हुआ है, इंडिया में हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स जो मिल के बना है पांच देशों से, किससे, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। आ जाते हैं, चलिए आ जाते हैं G20 में। G20 में भी 20 देश होते हैं, जी G20 लिखा है, G7 लिखा है, इसका मतलब है सात देश हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ 20 देश हैं इसमें, ठीक है, कौन से हैं, पहले ब्रिक्स के पांच देश हैं, G7 के सात देश हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, सऊदी अरब और टर्की आते हैं इस देश में। ठीक है, जो 2016 हुआ है वो चाइना में हुआ है, ठीक है, होंगचू में हुआ है 2011 2016 का, इस साल का करंट जो है वो ये है, अगले साल जो होगा 2017 में वो जर्मनी में है। और ये याद रखने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि इंडिया में कब है, इंडिया में है 2018 में G20 सम्मेलन होगा इंडिया में। कभी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में G20 सम्मेलन किस साल में है, 2018 में है, ठीक है, 2018 का G20 सम्मेलन कहाँ पर है, इंडिया में है। जो इंडिया से पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस होते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले तो हम याद कर लें, जो आया है 16 का जो हुआ है होंगचू में हुआ है, चाइना में हुआ है, अगले साल जो होगा वो जर्मनी में होगा, उसके बाद 2018 का इंडिया में है, इंपॉर्टेंट है। पिछले साल कहाँ हुआ था, टर्की में हुआ था, ठीक है, तो G20 सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 20 देश आते हैं, मैं बता चुका हूँ, और जो इस बार का हुआ है होंगचू चाइना में हुआ है, अगली बार जर्मनी में होने वाला है, और उसके बाद इंडिया में होने वाला है, ठीक है, इसके पहले जो हुआ था वो टर्की में हुआ था 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो यहीं से क्वेश्चन उठाने वाला है, शॉर्ट शॉर्ट है। बात कर लेते हैं G7 की, पहले G8 हुआ करता था,
इसमें एक देश और था जिसे कहते हैं, अर्लियर इट वॉज G8, नाउ रशिया इज सस्पेंडेड। ठीक है, रशिया हट गया है, तो अब G7 रह गया है। ठीक है, टेम्परेली था, उसको हटा दिया गया है, तो G8 से अब G7 हो गया है। ठीक है, इसमें कौन से देश है पहले तो देख लेते। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम EU से बाहर हो गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA और कनाडा, ये 7 देश हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 देश आते हैं। ठीक है, और इस बार हुआ है 42, देखिए नंबर भी याद करना ज़रूरी है, 42 8 से समिट हुआ है शिमा जापान में। ठीक है, आई थिंक मैं इसको शिमला पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा शिमला जापान में कब से आ गया शिमा जापान में हुआ है। ठीक है, अगला जो होगा 2017 का, इटली में होगा, 44th G8 सम्मेलन कनाडा में होगा, और 45th होगा G8 सम्मेलन 2019 फ्रांस में होगा। इसके पहले 41 जो हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, तो समिट्स में इंपॉर्टेंट है, G8 भी इंपॉर्टेंट है। G8 में कभी भी पूछ लेता G7 हो गया है, कौन सा देश बाहर हो गया है, तो वो उसका आंसर होगा रशिया। 2016 की बात कर लें तो शिमा जापान में हुआ है G8 सम्मेलन। और इसमें याद करने वाली बात यह है, इंडिया नहीं है। ठीक है, G20 में इंडिया है, लेकिन G7 में इंडिया, क्वेश्चन आता है किस में इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता है। ब्रिक्स आ जाएगा, G20 आ जाएगा, G7 आ जाएगा, और उसमें आपको ऑप्शन करना, आपको टिक करना होगा कि इसमें इंडिया इसमें नहीं आता, G7 में इंडिया नहीं, ब्रिक्स में आता है। और मान ली ब्रिक्स आ गया, या सार्क आ गया, या G20 आ गया, इन सब में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, लेकिन G7 में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर से SSC में और UPSC में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सार्क, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का सार्क सम्मेलन जो हुआ है वो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बार होना था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता है। क्यों? आप जानते हो, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कोई जाना क्यों नहीं चाहता है। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, इस बार होना था इस्लामाबाद में, लेकिन सारे के सारे देशों ने कर दिया इसका बायकॉट। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है। देश कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस बार होना था पाकिस्तान में, अगली बार जो है 2018 में, हर 2 साल में होता है, 2018 में जो होगा वो बेंगलुरु इंडिया में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सार्क सम्मेलन जो है वो बेंगलुरु इंडिया में है। ठीक है, इस बार का हो गया स्थगित, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत गंदे हो गए हैं, इसलिए वहाँ का चीज़ सार्क सम्मेलन नहीं हो पाया, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार का सार्क सम्मेलन पोस्टपोन कर दिया गया है, ना के बराबर है, शायद ही हो पाए। हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, अर्जुन बहादुर थापा इसके सेक्रेटरी हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर से SSC में इसके क्वेश्चन आते हैं, या UPSC में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इन विच समिट इंडिया वॉज नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो आसियान है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, ये नाम जो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो हमारा जो एशिया है वो कुछ इस तरह है, तो यहाँ पे हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग भी जो है वो साउथ में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ये होता है कि कहीं हम भी तो हैं इंडिया, हम भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आते हैं, लेकिन हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, खासतौर UPSC में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस समिट्स में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो है आसियान। देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, टोटल 10 कंट्री हैं। ठीक है, इस बार 2016 में जो हुआ है, ये देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, साल में एक बार अप्रैल में होता है और एक बार नवंबर में होता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन समिट साल में 2 बार होता है, तो वो है आशियान। ठीक है, आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साल में 2 बार कौन से समिट है जो साल में 2 बार और होती है। ठीक है, होती है कितनी बार, 2 बार कौन समिट होती है 2 बार, तो वो है आसियान। तो इस बार जो हुआ है अप्रैल वाला है, लाओस में हुआ है, और ये जो 29 वाला है, जो नवंबर वाला भी है, वो भी लाओस में होगा। ठीक है, दोनों लाओस में ही है, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, लेकिन पिछली बार ये नहीं था। 26वां और 27वां देखिए मलेशिया में और फिलीपींस में हुआ है, लेकिन इस बार याद करने का सही तरीका है, इस बार 2016 के दोनों लाओस में हुए हैं, तो आसियान का जो सबमिट हुई है लियाओस में हुई है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आ जाते हैं ईस्ट एशिया समिट पे। ठीक है,
ये भी थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एशिया के कनेक्टिविटीज़ हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी, ये भी आप 14 दिसंबर 2005 में हुई थी, ठीक है। समिट है इस बार की वो कहाँ है, वो भी लियोस में है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साउथ की जो समिटें हैं जैसे पिछली हमने देखी थी वो भी लियोस में थी, ये भी लियोस में है। 10वीं समिट कोलमपुर मलेशिया में हुई थी, 9वीं जो हुई थी वो म्यांमार में हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। ये भी एक बार फिर से, एक बार दो तीन बार वीडियो देखिएगा ना ये, तो आपको हर चीज़ याद होने लगेगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप देख सकते हो कितने मेंबरशिप हैं इसमें, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। आगे बढ़ेंगे इप्सा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समिट जो होनी है, ये जो 2015 की लास्ट समिट जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इप्सा। इसमें भी 3 देश हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसलिए जिस जिस समिट पे इंडिया पार्टिसिपेट करती है वो कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 7वीं समिट हुई है इसकी इंडिया में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और पहली समिट जो इंपॉर्टेंट है वो ब्राज़ील में हुई है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली समिट जो इप्सा की हुई है, ठीक है। इप्सा मतलब इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 3 देश से मिलकर एक बना, जैसे ब्रिक्स क्या था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वैसे इप्सा है, इसमें 3 देश है क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट करता है, कहने का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो पहली समिट ब्राज़ील में हुई है, जो लास्ट समिट हुई 2015 में वो इंडिया में हुई है। चलिए आपसे बड़े एपेक पे जाते हैं। एपेक ये भी साउथ पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री है, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और इसकी समिट हुई है लीमा, पेरू, लीमा, पेरू, पेरू लीमा में इसकी समिट 2016 की 28वीं समिट थी, और अगली जो 29वीं होनी है वो हैनोई में होनी है, ठीक है। तो ये भी कहने का इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट 2015 में हुई है मनीला में हुई है, फिलिपसीन की राजधानी मनीला है, तो वहाँ पे हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ये आया था, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एपेक का भी इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। ये समिट्स मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंडिया पार्टिसिपेट करती है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करती है। इसकी थर्ड समिट जो हुई है वो म्यांमार में हुई है, फोर्थ समिट हुई है वो नेपाल में हुई है, 2015 की लास्ट समिट हुई है, ठीक है। कहीं जो जो इंडिया से इंपॉर्टेंट है, जो जो मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ देवर हो सकते हैं वो भी मैं ले रहा हूँ। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो थर्ड समिट हुई है वो नीदरलैंड में हुई है, और जो अभी 2016 में हुई है वॉशिंगटन US में हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट समिट की बात कर लें तो वो भी US में हुई थी, और जो लास्ट समिट इसकी 2016 में हुई है वो भी US में वॉशिंगटन में हुई है। किसकी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे, ओपेक की बात कर लें। ओपेक वो देश हैं जो पेट्रोल उत्पाद करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम के जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हैं वो ओपेक में आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट समिट हुई है वो ऑस्ट्रिया में हुई है, बस इससे ज़्यादा कुछ याद करने की आप जरूरत नहीं है। नाटो, नाटो की बात कर लें, तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हम सभी जानते हैं, तो इसकी लास्ट समिट जो हुई है वो वर्सोवा पोलैंड में हुई है, ठीक है। इसके पहले जो 2014 में, 2 साल में एक बार होता है, इसके पहले जो हुई है वो कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन में हुई है, ठीक है। तो नाटो में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, लास्ट समिट इस बार समिट 2016 की कहाँ हुई, वर्सोवा पोलैंड में हुई है, और इसके पहले 2014 में जो हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। इसमें 28 देश हैं, हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया को बैंक डेवलपमेंट, मतलब एशियन के बैंक फाइनेंस को देखता है ये, ठीक है। तो जो लास्ट 2014 में हुई है काजिस्तान में हुई है, और ये जो ये बाकू, बाकू कहाँ है, हाँ अजरबैजान में। अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी से घिरा हुआ काफ़ी एरिया कवर करता है, जो टर्की, जॉर्जिया और इराक से घिरा हुआ ये देश है, बहुत खूबसूरत देश है अजरबैजान, ठीक है। बाकू अजरबैजान में हुआ है लास्ट मीटिंग ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अर्थ आवर की मीटिंग, ग्लोबल अर्थ आवर की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई है, इसके पहले जो 15 हुई है। सियोल, सियोल कहाँ है ये भी याद करें, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नैम की बात कर लेते हैं। इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, जिसको नेहरू जी ने संबोधित किया था, तो उस जमाने का ये है।
फिलहाल काम की बात कर लें, काम की बात करने वाली ये है कि 17वीं हुई है और ये हुई है वेनेजुला में। वेनेजुला कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, वेनेजुला में हुआ है। और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही आप कि लास्ट में 2016 में जो 17वीं नैम सबमिट हुई है वो, और इंडिया से पार्टिसिपेट करने कौन गया था? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब, ठीक है। नैम जो हुआ है ये हुई है वेनेजुला, साउथ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ लास्ट समिट हुई है 2016 की, और इसमें पार्टिसिपेट हमारा हामिद अंसारी गया था। ग्लोबल इंश्योरेंस समिट जो हुई है 8वीं हुई है, ये मुंबई में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 2015 में मुंबई में हुई है ग्लोबल इंश्योरेंस। तीस चौगम ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें इंडिया आता है। और ये जो लास्ट समिट हुई है वो 2015 माल्टा में हुई है, ठीक है, 2015 की लास्ट समिट चौगम की ये हुई है माल्टा में। चोगम का फुल फॉर्म पर भी पूछ लेता, कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है, समिट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अक्सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म कभी भी पूछ लिया जाता चोगम का, तो है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है, और ये 2 साल में होती है कुछ। चलिए फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट्स मेरे पास थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अगला जो जीके का मुझे लगता है वो है बैंक से रिलेटेड, और करेंसी और कैपिटल से। तो बैंक के सारे हेडक्वार्टर्स और कैपिटल और करेंसी को लेके अगला वीडियो मैं जीके पे ज़रूर बनाऊंगा। करंट करंट अफेयर कह लीजिए, जीके कह लीजिए, जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फिलहाल इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।